बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? वो क्या रहा है? बढ़ रही है। पिछले वर्ष टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था, किसी ने पढ़ा हो तो, कि क्यों ये संख्या बढ़ती जा रही है इतने रिसर्चेस होने पर भी। और हालांकि WHO ने ये भी कहा कि 2020 तक हम प्रयत्न कर रहे हैं कि पूरी तरह से सभी का हेल्थ हम नॉर्मल कर सके, पर कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है। तो उसका सही कारण आज हम जानेंगे। फिजिकल डॉक्टर्स, फिजिकल ज्ञान बहुत सारा है, मेंटल है कुछ हद तक, परंतु उसको निवारण कैसे करना है ये चीज अभी तक पूरी तरह से जान नहीं पा रहे हैं। उसका कारण हम आगे चलेंगे। सही रूप में आपको बताएं तो आज साइकोलॉजिस्ट या मेंटल डॉक्टर्स जो होते हैं वो ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो किस प्रकार से करते हैं? दवाइयों में, नींद की गोलियां आदि, एंटी डिप्रेसेंट्स आदि दे देते हैं। और आपसे एक और राज की बात शेयर करते हैं, यदि आपके घर में से कोई लेता है या कोई परिचित में से लेता है, आप उनको पूछना नींद का प्रॉब्लम है तो, या कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो, कि आप ये नींद की गोली लेते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छे से आ जाती है। आपको जवाब क्या मिलेगा? नहीं आती। कारण क्या है? तनाव, स्ट्रेस की वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स है। आज हम देखें तो 80-90% ऐसी बीमारियां हैं जो मन से शरीर को अफेक्ट कर रही है। अर्थात पहले वो मन से शुरू होती है और फिर वो शरीर पर अपना आउटलेट बताती है। या सच मायने में, सही मायने में हम देखें तो मानसिक बीमारियां जो है वही हमारी शारीरिक बीमारियों को न्योता या निमंत्रण दे रही है। फिर प्रश्न उठता है कि ये दवाइयों के, ये जो तनाव है या स्ट्रेस है, नींद नहीं आ रही है, अन्य कई उसके कारण होते हैं। और कई हमारे युवा पीढ़ी से भी आजकल ये प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं। पहले माना जाता था बुजुर्गों को या यंगस्टर्स को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बुजुर्गों को होगा, पर आज हम देखते हैं राइट फ्रॉम चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इसके लिए आज आप देखेंगे स्कूल में भी काउंसिलर्स रखने पड़ रहे हैं बच्चों के लिए विशेष। आगे बढ़े हम इससे। नींद न आने का मुख्य कारण तनाव, आपने बिल्कुल सही कहा। मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो रहे हैं, तनाव उसका कारण। शारीरिक प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो रहे हैं, तनाव उसका कारण। एक एग्जांपल देखें तो आज से 30-40 साल पहले यदि किसी को हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक से किसी की मृत्यु हुई है, तो उसकी एवरेज आयु कितनी सोचते थे? 50-60 अबव। पर आज कुछ ऐसा मापदंड है, क्यों? स्ट्रेस, अच्छा आगे बढ़े। जो हमने कहा नींद की गोलियां या अन्य दवाइयां भी केवल टेम्पररी उसको दबा रही है, सप्रेस कर रही है, निकाल नहीं रही है। जिस प्रकार से यदि मान लीजिए एक पौधा है, अभी मेरे पास वो पौधा कई महीनों से हमने अंदर रखा है और वो सूखता जा रहा है, या बाहर भी है मानो वो सूखता जा रहा है, अभी हम उसके पत्तों पे पानी डाले सिर्फ, तो सॉल्यूशन होगा नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? जड़ों को पानी डालना पड़ेगा। सभी बहुत इंटेलिजेंट है, माना हम आंसर के पास पहुंच गए कि आज दिन तक जो स्ट्रेस हो रहा था या जो प्रॉब्लम्स, बीमारियां हम महसूस कर रहे थे मन में या शरीर में, और हम क्या कर रहे थे? केवल उसके सिम्टम्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी जड़ों तक नहीं जा रहे। और आज हम उसकी जड़ों तक जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। नंबर वन थिंग आपको बताएं, जो नींद की गोलियां खाते हैं वो नींद की गोलियां क्यों कम्प्लीटली हमें रिलैक्स नहीं करती है? उसका हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखें तो आप लिख सकते हैं, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। हमारे ब्रेन का जब ईईजी निकाला जाता है, ईईजी जानते हैं आप सभी? हाँ जी बोलिए, इसका मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसी
ईजी होता है, ईजी होता है इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राम, जिस प्रकार से हार्ट की हृदय की पट्टी दिखाई देती है आपको ईसीजी में, ये ब्रेन के लिए जो निकाला जाता है वो होता है ईजी इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राम। और जब ये निकाला जाता है तो उसमें जो वेव्स होती है वो होती है बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। ध्यान से सुने, अभी जब हम यहाँ पर बैठे आप सभी का ध्यान यहाँ पर है, तो कोई सो गया है इसमें से, देख लीजिए कोई आजू बाजू में सो गया है तो उठा लेना, कोई नहीं सोया है, सभी जाग रहे हैं, जस्ट जो सभी यहाँ पे जाग ही रहे हैं। परंतु जो अभी हम अवस्था में बैठे हैं, आपका ध्यान यहाँ पर है, अर्थात आपका कॉन्शियस पूरा अवेकन है। अभी अगर ईईजी निकाला जाए तो सभी का कौन सा वेव होगा? बीटा वेव होगा, ठीक है। जब आपको थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है उस समय आपका अल्फा स्टेज में जाने का प्रयास हो रहा होता है। जब थोड़ी गहराई से आप सेमी कॉन्शियस स्लीप में पहुंच जाते हैं तब थीटा स्टेज में होते हैं, जब आपको स्वप्न भी दिखाई देते हैं, और उस समय आप की जो नींद की अवस्था होती है उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यदि कहें तो उस समय जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आपकी नींद होती है वो होती है REM स्लीप, अर्थात रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप। वो क्या, या इसको रैपिड आई मूवमेंट क्यों कहा जाता है, हम प्रैक्टिकल करेंगे। सभी अपने दो हाथों को ऊपर करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हथेलियों को, उंगलियों को हाथों के ऊपर, आंखों के ऊपर रख देंगे इस प्रकार से। और अभी आंखें बंद है, आपकी आंखों पर हथेली या उंगलियां रखी हुई है, यही कंडीशन में आप ऊपर अपनी आंखों को लेकर जाए, नीचे लेकर जाए, लेफ्ट राइट में लेकर जाए, सामने लेकर आए, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सामने, ओके। धीरे धीरे आपकी हथेलियों को नीचे कर दें, आंखों को खोल दें। क्या हुआ? मूवमेंट महसूस हुई, जो पीपल कहते हैं हम इसे, आंख के अंदर का जो बॉल है, आई बॉल की मूवमेंट आपको महसूस हुई। तो नींद में भी इस अवस्था में जब आपकी आई बॉल्स मूव होती है उस समय आप स्वप्न देखते हैं, वो जो नींद होती है वो होती है रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप, REM। इसके पश्चात जो गहराई वाली नींद होती है, जिसमें जो चौथा हमने वेव देख रहे हैं, चौथा कौन सा रहा है अभी? डेल्टा, बिल्कुल सही। उस समय डेल्टा स्टेज में नींद पहुंचती है, जिसे भी कहा जाता है NREM स्लीप, अर्थात नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप, ठीक है। और वो जो स्लीप होती है, वो नींद जो होती है, वो हमारे शरीर और मन दोनों को संपूर्ण रूप से रिलैक्स करने वाली नींद होती है। समझ में आई यहाँ तक बात? ये एक प्रश्न आपसे, आपको क्या लगता है ये जो डेल्टा स्टेज वाली नींद है वो कितने समय तक हमारी रहती होगी? एक नींद की साइकिल एवरेज 3 घंटे की होती है, 2.5 से 3 घंटे की। हम रात में 5 से 6 घंटे सोते हैं, राइट, सभी उतना टाइम सोते हैं। तो उस समय कितना समय ये डेल्टा स्टेज में पहुंचते? 1 से 1.5 घंटा, 2 से 3 घंटा, और किसी का कोई उत्तर? आधा घंटा, 15 से 20 मिनट। आप सभी को सुन के आश्चर्य होगा, ध्यान से सुने, वो नींद केवल 2 से 3 मिनट, परंतु बहुत गहराई वाली नींद होती है कि उस समय कोई ढोल या नगाड़ा भी बजा रहे ना आपके सामने आके तो भी नहीं पता चलेगा, परंतु वो स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप सुबह उठते हैं तो फ्रेशनेस फीलिंग नहीं होती है, या यूं कहो आलस्य या कुछ ना कुछ बोरियत। तो ये मेडिटेशन जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे चल के, वो हमें मन को भी रिलैक्सेशन करता है, अर्थात मेडिटेशन करते हुए भी हम उस डेल्टा स्टेज में पहुंच सकते हैं यदि हम नियमित रूप से करते हैं। डेल्टा स्टेज
जाने के लिए ऐसे कुछ समय निर्धारित किया गया है क्या, यानी कि आप 10 बजे सो जाइए या फिर आप दिन में सो सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअल में जो हमारे पूर्वजों का कहना था कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज बहुत अच्छा फॉर्मूला था। आप रात को 9, 9:30 या मैक्सिमम 10 बजे तक सो के सुबह 4 या 4:30 बजे तक एक्चुअली एवरेज लगे हम देखते हैं उठते हैं, तो वो ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, क्योंकि उस समय उठ कर के आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको डेल्टा स्टेज तक ईजिली पहुँचा देता है। बट वो आगे की बात है, हम अभी ABCD पर आ रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बैलेंस, या जिसे हम कहेंगे भारोत्तोलन की क्रिया, और जो कि आप अभी एक नए क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, यहाँ पे आपकी दो चीजों में कश्मकश चलेगी, एक उत्तरदायित्व और दूसरा संबंध। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके ऊपर बढ़ेगी, साथ में रिलेशनशिप में भी आपको ध्यान देना होगा। तो कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो रिलेशनशिप को हम पीछे कर दें, या रिलेशनशिप को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या उत्तरदायित्व है उसको हम ढीला कर दें, तो ये दोनों में इम्बैलेंस होने की वजह से हमारी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब हो सकती है। इसको ठीक कैसे रखें, इसको बैलेंस कैसे करें? उसको बैलेंस करने के लिए यदि हम अपने आप से कुछ चीजें पूछें, तो जैसे हमने कहा कि अनेक स्तरों पर हम बात कर रहे थे, कुछ अपने आप से पूछें, मुझे फिजिकल लेवल पे क्या चाहिए, मुझे फिटनेस चाहिए कि मैं चाहता हूँ मैं रोगी बनूं, तो हर कोई क्या चाहेगा, निरोगी अर्थात फिटनेस वाला ही जीवन चाहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, जब भक्ति की बात करते हैं, टू हैव, हमारी लिस्ट बहुत ज्यादा है या सेटिस्फाइड है? बहुत ज्यादा है। और जब ये बहुत ज्यादा टू हैव की जो लिस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और मिलने वाली या प्राप्तियों वाली लिस्ट कम हो जाती है, तो हम कहाँ पर डाइवर्ट हो जाते हैं? सबसे पहले तो हमारा मन इम्बैलेंस हो जाएगा, और जैसे ही मन इम्बैलेंस हुआ हमारा फिजिकल इम्बैलेंस प्लस रिलेशनशिप में भी इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाएगा। और ये प्राप्तियों के लिए हम फिर कौन सा वे अपनाने लगेंगे? इलीगल वे या रॉन्ग वे भी अपनाने लगेंगे। तो आपको एक बात बताएं कि ये जो प्राप्तियां हैं या ये जो चीज है, आप सोच लो कि मेरे को अगर होम थिएटर मिल जाए या वो जो बड़ा वाला टीवी आता है जिसे क्या कहा जाता है, LED, LCD, मान लीजिए कोई भी आपको 50 इंचेस आदि मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, या वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी में है। तो एक अपने आप से प्रश्न पूछे कि वो आपको LED, LCD 50 इंचेस मिल गया तो क्या सचमुच में वो मुझे खुशी देगा? आपने तो वही सोचा ना कि लिस्ट बहुत बड़ी है, वो चीजें मुझे मिलती जाएगी तो मेरे पैरामीटर सेटिस्फाई होते जाएंगे, वो खुशी कितने समय तक रहेगी? इसके बाद क्या होगा? बहुत चीज है, आपको लगेगा एक कार आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो खुशी कितना समय तक रहेगी? फिर आप देखो आपके कोई अड़ोसी पड़ोसी या रिलेटिव के पास में उससे अच्छा लेटेस्ट वर्जन आ गया है, तो माना ये जो इच्छा या वांट्स है उसका सेटिस्फेक्शन कभी भी कोई भी नहीं कर सकता, ये हम अपने अंदर पक्का कर लें इस बात। और हम ये सोच रहे थे कि ये चीजें मुझे खुशी देने वाली है और हम दूसरों से भी खुशी एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने रिलेशनशिप में, वो मिलेगी? हम उल्टा सोचें, हमारी रिलेशनशिप में जो है हमारी फैमिली है वो हमसे क्या चाहती है? वो भी हमसे खुशी चाहती है, तो क्या हम उन्हें दे पाएंगे? दे पाएंगे? एक प्रश्न आपसे, मुझे आपके पास पेन है, देखिए सिंपल सी चीज, आपका नाम क्या है? पंकज पाठक। पंकज भाई को जब पूछा गया कि आपके पास पेन है, उन्होंने कहा हाँ दीदी है, और तुरंत दे दिया। उनको जब पूछा कि आपके पास मार्कर है
हमारे जीवन में ही खुशी नहीं है और दूसरे हमसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फैमिली में, तो क्या हम दे सकेंगे? उसी प्रकार से दूसरे के पास भी नहीं है और हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो दे सकेंगे? तो क्या करना चाहिए? अच्छा, ओके, पहले खुद को खुशी लेनी है। अच्छा, आपके पास कोई एड्रेस है या आपको कुछ ट्रेनिंग में, ये कितने आपके 4 महीने की ट्रेनिंग होगी ना? अभी रिसर्च स्टार्ट हुआ है, कुछ महीने हो गए। वेरी गुड, हाफ प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, कांग्रेचुलेशन, यू आर ओनली हाफ वे। अच्छा, तो आपको कोई एड्रेस मिला इसमें से अभी तक के? यहाँ पे से हमको पूरी खुशी मिल जाएगी। कोई ऐसा आपको पहचानता है डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का या कोई कंपनी के, जहाँ पे आपको पता चले कि यहाँ पे खुशी प्रोड्यूस होती है और ये बिकती है? कोई नहीं। फिर हम कहाँ से लाए? अपने आप से। वेरी गुड, क्या हमारे अंदर है? वेरी गुड, बहुत है, परंतु उसे हमें हारना है। अच्छा, आप अपना परिचय देंगे भैया? ये कह रहे हैं कि उनके पास है, हम पूछना चाहेंगे आपका परिचय क्या? मारुति दबे। हाँ, मारुति दबे। इधर आइए। मारुति भाई कह रहे हैं उनका परिचय, उनका परिचय बताया। मारुति दबे। ओके, देखिए ध्यान से देखना इस सेशन को। ये घड़ी किसकी है? क्या मारुति भाई घड़ी है? ये डायरी किसकी है? क्या डायरी मारुति भाई है? ये हाथ किसका है? क्या मारुति भाई हाथ है? सिर किसका है? क्या सिर मारुति भाई है? बॉडी या शरीर किसका है? तो मारुति भाई कौन है? अभी तो कहा कि हाथ मारुति भाई का है, पेन ये घड़ी मारुति भाई की है, डायरी मारुति भाई की, क्या सब मिला के मारुति भाई है? वेरी गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। हाथ नीचे कर दीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? पेन। एग्री करते हैं सभी इस बात से? ये पेन। अच्छा, पेन से क्या करते हैं? जो जो ये चीज को मानते हैं कि हम पेन से लिखते हैं, प्लीज अपना राइट हैंड ऊंचा ऊपर करेंगे, अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे। जो जो मानते हैं कि हम पेन से लिखते हैं, अपना हाथ ऊपर करें। आप नहीं मानते? हाथ से तो लिखते हैं बिल्कुल, पर लिखा किससे जा रहा है? पेन से लिखते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। पर आज दिन तक हम किसी से मांगना हो तो क्या कहते थे? परंतु यदि इसको हम निकाल दे इसके अंदर तो ये लिखेगा नाउ कंपेयर। जो हम मारुति भाई कह रहे थे वो क्या है? और उसको चलाने वाला एक्टिव प्रिंसिपल, जैसे पेन को चलाने वाला एक्टिव प्रिंसिपल क्या है? रिफिल है। अगर रिफिल है तो पेन चल रहा है। तो मारुति भाई के अंदर कौन सा एक्टिव प्रिंसिपल है जो शरीर को चला रहा है, उस शरीर से कार्य करवा रहा है? आत्मा। वेरी गुड, हम आगे आएंगे। मन क्या है? सोल, आत्मा, रूह, अलग अलग भाषा में जिसे कहा गया है। और हम देखो, मैं आपको पॉजिटिव फैक्टर्स पर नहीं लेके जा रही हूँ, स्ट्रेस के डायरेक्ट सॉल्यूशन एस्पेक्ट पे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। तो बिल्कुल कट शॉर्ट में आपको बिल्कुल लिमिटेड वे में समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से पेन को चलाने वाला एक्टिव प्रिंसिपल रिफिल है, उसी प्रकार से शरीर को चलाने वाला एक्टिव प्रिंसिपल कौन है? आत्मा। ओके, मारुति भाई के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी अपने आप से पूछा पूरे शरीर में। ओके मारुति भाई कह रहे हैं पूरे शरीर। अगर अभी मैं जा रही हूँ रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरा हाथ कट जाए, तो हाथ कट जाए तो आत्मा भी तो निकल जानी चाहिए, निकलती है हार्ट में। ओके बहन कह रही है हार्ट में, ध्यान से सुने। आज हम मोबाइल के सभी साइलेंस मोड पे कर लेंगे। हम ध्यान से सुने कि आत्मा कहाँ रहती है। आज दिन तक हम देखते आ रहे हैं मेडिकल साइंस की काफी डेवलपमेंट हो चुकी है। आपने ट्रांसप्लांटेशन ये नाम सुना है, किसी की किडनी खराब हो जाती है तो किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, लिवर, लंग, इवन हार्ट का भी ट्रांसप्लांट होता है। वो समझ गए आंसर वेरी क्लेवर, क्योंकि यदि हार्ट में रहती तो अगर मेरा हार्ट निकाल दिया गया किसी और का लगा देते हैं तो उसकी आत्मा आ जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा होता। आत्मा कहाँ रहती है हम ध्यान से सुने। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिसे कहते हैं कि राइट बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड, अर्थात ये एक्सिस और ये एक्सिस, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, सरल भाषा में कहें तो बिंदी कहाँ लगाते हैं हम, डिलर कहाँ करते हैं यहाँ पे। कोई अपने नसीब को भी फूटता है तो कहाँ फूटता है ना, आत्मा का निवास स्थान इस शरीर में कहाँ है, बिल्कुल मिड में, जिसे हम भ्रुकुटि कहते हैं हिंदी में, भ्रुकुटि के मध्य में या मस्तक के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा दिखती कैसी है। हम उनको आँख से देख नहीं सकते क्योंकि वो अति सूक्ष्म है, नेकेड आईज से देखा नहीं जा सकता, बिल्कुल सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म कि वो हम स्थूल आंखों से नहीं देख सकते, परंतु उसका रूप जरूर है। उसका रूप कैसा है, व्हाइट ट्विंकलिंग स्टार, एकदम सूक्ष्म सफेद चमकते हुए सितारे की तरह, ठीक है। तो तनाव प्रबंधन के लिए फर्स्ट फॉर्मूला हम आपको ABCD दे रहे थे फॉर्मूला के लिए, और फर्स्ट फॉर्मूला जो आ रहा है तनाव प्रबंधन का, ए स्टैंड्स फॉर